हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी को न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी गेम के सारे चीट कोड बताने वाला हूँ। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी गेम के अंदर निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो। एंड आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर टीवी को कैसे ऑन कर सकते हो। एंड आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर न्यू वॉट न्यू जेट स्की का अपडेट कैसे ले सकते हो। एंड आप सभी लोग भी अपनी गेम के अंदर फ्यूल कैसे डलवा सकते हो। एंड साथ साथ हमारी गेम के अंदर में जिम का ऑप्शन कैसे देखने को मिल सकता है। एंड इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल के अंदर बताऊंगा। एंड अगर जो ये वाली वीडियो होगी वो शायद से हमारी सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर से कर लेना। एंड इस वाली वीडियो के अंदर आपको हमारे IBD3 गेम की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको हमारी गेम के अंदर जितने भी कार्स अवेलेबल है उन सभी का चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस, हमारी पहली कार होने वाली है वो है न्यू बोलेरो कार। तो बोलेरो कार के लिए आपको सिंपली 3100 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी बोलेरो कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 2244 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग को अपनी गेम के अंदर प्यारी सी सुपरा कार देखने को मिल जाएगी। एंड आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी गेम के अंदर जो सुपरा कार अवेलेबल है वो कितनी ज्यादा मस्त है। एंड गाइस, अगर आप लोग किसी भी कार के पास जाते हो और गैलरी को ओपन करते हो तो यहाँ से आप सभी लोग अपनी कार का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अपनी सुपरा कार का कलर चेंज कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैंने अपनी सुपरा कार को यहाँ पर RGB कलर के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 8123 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी मस्टैंग कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपल अपनी गेम के अंदर 8811 डायल करना होगा तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी फरारी कार आ जाएगी। एंड गाइस, लिटिल ये जो सारी कार्स है वो तो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। एंड गाइस, अभी जो चीट कोड होने वाला है वो न्यू इंडोर कार का चीट कोड होने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली 20-20 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग 20-20 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी इंडोर कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो कार होने वाली है वो है न्यू लेजेंडर कार। तो इसके लिए आपको सिंपली 1001 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी न्यू लेजेंडर कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपल अपनी गेम के अंदर 300 डायल करना होगा। एंड जैसे आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर 300 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी टार्जन कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है न्यू पोर्शे कार का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 4000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग 4000 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी पोर्शे कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है स्कॉर्पियो क्लासिक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 3x3 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी स्कॉर्पियो क्लासिक आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 3x4 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर स्कॉर्पियो S11 कार आ जाएगी। एंड गाइस, लिटरली हमारी गेम के अंदर ये दोनों के दोनों जो स्कॉर्पियो कार है वो तो नेक्स्ट लेवल है। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 1000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी फॉर्च्यूनर कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 2000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग 2000 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी रोल्स रॉयस कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड होने वाला है वो रेंज रोवर कार का चीट कोड होने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली 4x6 डायल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे 4x6 डायल किया तो मेरी गेम के अंदर आ चुकी है प्यारी सी रेंज रोवर कार। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड होने वाला है वो बुगाटी V2 कार का चीट कोड होने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली 800 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग 800 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर बुगाटी V2 आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है 900। एंड जैसे आप लोग 900 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी कॉइनलेस कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है न्यू ऊडी कार का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 500 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी यहाँ पर ऊडी कार आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है न्यू लैम्बोर्गिनी कार का चीट कोड। तो लैम्बोर्गिनी कार के लिए आपको सिंपली 4x3 डायल करना होगा। एंड यहाँ पर मैंने जैसे ये वाला चीट कोड डायल किया तो मेरी गेम के अंदर यहाँ पर लैम्बोर्गिनी कार आ चुकी है। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है लैम्बोर्गिनी V2 का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 700 डायल करना होगा। तो ये आ चुकी है हमारी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी V2। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है न्यू थार कार का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 90-90 डायल करना होगा। एंड यहाँ पर मैंने जैसे 90-90 डायल किया तो मेरी गेम के अंदर आ चुकी है यहाँ पर प्यारी सी थार। एंड गाइस, अभी के टाइम पर हमारी गेम के अंदर बस यही सारी कार्स अवेलेबल है। एंड आप सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि इन सभी कार के चीट कोड के अंदर से आपको कौन सा चीट कोड काफी ज्यादा मस्त लगा है। एंड गाइस, अभी मैं अपनी गेम को एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मेरी गेम में वो काफी ज्यादा लैग कर रही थी। एंड गाइस, अभी मैं आपको हमारी गेम के अंदर जितनी भी बाइक्स अवेलेबल है उन सभी के चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस, जो हमारी पहली बाइक होने वाली है वो है सुपर स्प्लेंडर बाइक। तो इसके लिए आपको सिंपली 6021 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यार से सुपर स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है अपाची बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 40-50 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी अपाची बाइक आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जो चीट कोड है वो है यामाहा VMAX बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 3x9 डायल करना होगा तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी यामाहा VMAX बाइक आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 3x8 डायल करना होगा तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी यामाहा FZ10 बाइक आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 3
टाइम 7 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग एजिट को डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर प्यारी सी डुगाटी डेविल बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है बनाली टीएनटी बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 3x6 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर प्यारी सी बनाली टीएनटी बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है न्यूट्रॉन बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 6000 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर प्यारी सी ट्रॉन बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो बाइक होने वाली है वो है हमारी प्यारी सी ZX टर्नर बाइक। तो इसके लिए आपको सिंपली 400 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग 400 डायल करोगे तो गाइस यहां पर मैंने गलती से 4000 डायल कर दिया, तो मैं फिर से यहां पर 400 डायल करता हूं। एंड जैसे आप लोग 400 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर प्यारी सी ZX टर्नर बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है साइकिल का चीट कोड। तो साइकिल के लिए आपको सिंपली 4x1 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर प्यारी सी साइकिल आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है ड्यूक 1290 बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 4x8 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर ड्यूक 1290 आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो ड्यूक 200 बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 4x7 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर ड्यूक 200 बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है घोस्ट राइडर बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 4x5 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर जलती हुई आग के अंदर लपटती हुई यहाँ पर घोस्ट राइडर बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है कोबरा बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 4x4 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर ये वाली कोबरा बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है R15 बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 0015 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर R15 बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है न्यू एक्टिवा का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 4x0 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर प्यारी सी न्यू एक्टिवा आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है निंजा H2R बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 3000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर कावासाकी निंजा H2R बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली 5000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर पल्सर RS200 बाइक आएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है हायाबुसा बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 7000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर हायाबुसा बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 9000 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग 9000 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली 4x2 डायल करना होगा। एंड इसके बाद आपके गेम के अंदर आ जाएगी ATV बाइक। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली 1190 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर न्यू KTM बाइक आ जाएगी। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को इन सभी बाइक में से कौन सा बाइक का चीट कोड काफी ज्यादा मस्त लगा है। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारी गेम के अंदर कुछ एनिमल्स का चीट कोड बता देता हूँ जिसे आप लोग ड्राइव भी कर सकते हो। तो गाइस जो हमारा पहला चीट कोड है वो है हॉर्स का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 200 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर हॉर्स आ जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो दूसरा एनिमल है वो है डायनासोर। तो डायनासोर के लिए आपको सिंपली 50-50 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर डायनासोर भी आ जाएगा। एंड गाइस आप सभी लोग इन दोनों के दोनों एनिमल को ड्राइव भी कर सकते हो। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारी गेम के अंदर जॉम्बी का चीट कोड आया है वो भी बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर 20-30 डायल करते हो तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर जो जॉम्बी होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड अगर आप सभी लोग जॉम्बी को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली 20-40 डायल करना होगा तो आपके जॉम्बी हो गए वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एंड गाइस अभी मैं आपको जो चीट कोड बताने वाला हूँ सारे के सारे सुपर व्हीकल का चीट कोड होने वाले हैं। तो गाइस हमारा पहला सुपर व्हीकल होने वाला है वो है फायर ट्रक। तो इसके लिए आपको सिंपली 606 डायल करना होगा एंड आपके गेम के अंदर ये बड़ा सा फायर ट्रक आ जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो दूसरा चीट कोड है वो है आर्मी टैंक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 40-40 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर आर्मी टैंक आ जाएगा। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 12-12 डायल करना होगा। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर ट्रक आ जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है ट्रक विद ट्रेलर का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 0-12-12 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर ट्रक विद ट्रेलर आ जाएगा। एंड गाइस लिटरली हमारे गेम के अंदर जो ये बड़े बड़े व्हीकल देखने को मिलते हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर किसी भी कार का मॉन्स्टर ट्रक लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी गेम के अंदर 0 डायल करना होगा। एंड इसके बाद आपको जिस भी कार का मॉन्स्टर ट्रक चाहिए उसका चीट कोड डायल करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 0300 डायल किया तो मेरी गेम के अंदर यहाँ पर मॉन्स्टर टार्जन कार आ चुकी है। एंड ऐसे आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर कार को मॉन्स्टर कार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारी गेम के अंदर कुछ फ्लाइंग व्हीकल का चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस जो हमारा पहला चीट कोड है वो है सिंपली 320। एंड आप लोग जैसे चीट कोड डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर बड़ा वाला जेटपैक आ जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो दूसरा चीट कोड है वो है मिनी जेटपैक का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 330 डायल करना होगा तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर मिनी जेटपैक आ जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग अपने गेम के अंदर 3x5 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर प्लेन आ जाएगा। एंड अगर आप सभी लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पर 8000 डायल करते हो तो आपके गेम के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। एंड गाइस लिटरली हमारे गेम के अंदर जो ये सारे सारे फ्लाइंग व्हीकल देखने को मिलते हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों को इन सभी फ्लाइंग व्हीकल के अंदर से कौन सा व्हीकल काफी जरा मस्त लगा है। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारे गेम के अंदर जो RGS 2
टूल देखने को मिलता है उसके भी कुछ कमाल के चीट कोड बता देता हूँ। एंड गाइस टिटल हमारे गेम के अंदर जो आरजेस टूल है और उसके जो सारे चीट कोड अवेलेबल है वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस जो हमारा आरजेस टूल है उसका जो पहला चीट कोड है वो है फोन कलर चेंज का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली आरजेस टूल के अंदर जाना होगा एंड यहाँ पर जाकर आपको सिंपली लिखना होगा फोन कलर। एंड यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आरजेस टूल के अंदर आया एंड यहाँ पर मैंने जैसे फोन कलर रेड लिखा एंड यहाँ पर मैंने जैसे आरजेस टूल के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक किया तो मेरा फोन था वो यहाँ पर ग्रीन कलर से रेड कलर हो चुका है। एंड ऐसे आप सभी लोग अपने फोन का कलर आरजेस टूल की मदद से चेंज कर सकते हो। एंड गाइस अभी मैं आपको आरजेस टूल की मदद से हाउस का कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली आरजेस टूल के अंदर जाना होगा एंड यहाँ पर जाकर हाउस कलर लिखना होगा एंड आपको जो भी कलर चाहिए वो आपको सिंपली लिखना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने हाउस कलर आरजीबी लिखा तो यहाँ पर मैंने जैसे राइट क्लिक किया तो मेरे हाउस का कलर यहाँ पर आरजीबी हो चुका है। एंड बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अपने हाउस का कलर चेंज कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोग अपने हाउस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक फैन देखने को मिलेगा। तो इस फैन के पास आपको सिंपली आना होगा एंड यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली फैन ऑन लिखना होगा तो जो आपका फैन होगा वो ऑन हो जाएगा। एंड अगर आप लोग फिर से आरजेस टूल के अंदर जाते हो एंड यहाँ पर जाकर फैन ऑफ लिखते हो तो जो फैन होगा वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारे आरजेस टूल के कुछ और चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग अपने आरजेस टूल के अंदर यहाँ पर यूआई ऑफ लिखते हो तो यहाँ पर जो आपके सारे कंट्रोल बटन होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। एंड अगर आप लोग फिर से आरजेस टूल के अंदर जाते हो यहाँ पर जाकर यूआई ऑन लिखते हो तो जो सारे कंट्रोल बटन होते हैं वो फिर से अनहाइड हो जाते हैं। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये सारे चीट कोड कैसे लगे हैं। एंड गाइस इसके अलावा भी कुछ चीट कोड है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। एंड गाइस अभी मैं आपको जो आरजेस टूल का चीट कोड बताने वाला उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा यहाँ पर कार शोरूम पर। एंड अभी मैं कार शोरूम पर नहीं जाने वाला, आप सिंपली कार शोरूम पर जाकर इस वाले चीट कोड को ट्राई करना। तो इसके लिए आपको सिंपली आरजेस टूल के अंदर जाना होगा एंड यहाँ पर लिखना होगा कार बाय। एंड जैसे आप लोग ये चीट कोड डायल करोगे तो आपकी कार शोरूम के अंदर यहाँ पर कार बाय हो जाएगी एंड यही चीट कोड हमें कार शोरूम के अंदर देखने को मिलता है। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर जो रैंप वाली जगह देखने को मिलते तो वहाँ पर एक न्यू रैंप ऐड हुआ है एंड वहाँ पर जाकर आपको सिंपली आरजेस टूल के अंदर जाना होगा एंड यहाँ पर जाकर आपको सिंपली रोल ऑन लिखना होगा। एंड जैसे आप लोग चिट कोड डायल करोगे तो वहाँ पर जो बड़ा वाला कंटेनर होता है वो जोर जोर से घूमने लगता है एंड यही सारे चिट कोड हमारी गेम के अंदर में आरजेस टूल के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर जो करेक्टर देखने को मिलता है उसकी लोकेशन को सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली आरजेस टूल के अंदर जाकर यहाँ पर सेव लिखना होगा तो आपके जो करेक्टर की लोकेशन होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड अगर आप लोग अपने हाउस से थोड़े से भी दूर जाते हो एंड इसके बाद आपको सिंपली फिर से आरजेस टूल के अंदर जाना होगा एंड यहाँ पर जाकर आपको सिंपली लोड लिखना होगा तो आपका करेक्टर की जो पोजिशन थी वो वहाँ पर आ जाएगा जैसे यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड गाइस लिटरली यही सारे चीट कोड हमारे आरजेस टूल के अंदर अवेलेबल है। एंड गाइस अगर आप लोग आरजेस टूल के अंदर जाते हो एंड वहाँ पर जाकर जेट लिखते हो तो आपकी गेम के अंदर एक जेट आ जाएगा जो कि हवा में उड़ता है एंड आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा एंड फिर आपको यहाँ पर हवा के अंदर एक जेट प्लेन देखने को मिलेगा जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है। एंड गाइस यही सारे चीट कोड हमारे आरजेस टूल के अंदर अवेलेबल थे। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारे गेम के अंदर कुछ सुपर चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस हमारा पहला सुपर चीट कोड है वो है इनफिनिट हेल्थ का। तो उसके लिए आपको सिंपल 9129 डायल करना होगा तो आपकी इनफिनिट हेल्थ एक्टिवेट हो जाएगी। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपल अपनी गेम के अंदर 12-15 डायल करना होगा तो आपका सुपर जंप भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग सुपर जंप को फिर से डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली फिर से 12-15 डायल करना होगा तो आपका सुपर जंप फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है अल्ट्रा जंप का चीट कोड। तो उसके लिए आपको सिंपली 12-16 डायल करना होगा तो आपका अल्ट्रा जंप एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर अल्ट्रा जंप को भी डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली एक बार फिर से 12-16 डायल करना होगा तो आपका जो अल्ट्रा जंप होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है स्काईफॉल का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 11-20 डायल करना होगा एंड यहाँ पर मैंने जैसे 11-20 डायल किया एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने चीट कोड डायल किया तो यहाँ पर जो मेरा करेक्टर था वो यहाँ पर हवा में से नीचे गिर रहा है। एंड गाइस अभी मैं आपको कुछ और चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस जो इसके बाद चीट कोड है वो है न्यू स्लो मोशन का चीट कोड। तो इसके लिए आपको सिंपली 11-12 डायल करना होगा एंड जैसे आप लोग 11-12 डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर यहाँ पर स्लो मोशन एक्टिवेट हो जाएगा। एंड गाइस इसके बाद जो चीट कोड है वो है मून ग्रेविटी का चीट कोड। तो मून ग्रेविटी के लिए सिंपली आपको 71-12 डायल करना होगा तो आपकी गेम के अंदर मून ग्रेविटी भी एक्टिवेट हो जाएगी। एंड गाइस हमारी गेम के अंदर बस यही सारे चीट कोड अवेलेबल थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आप सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों को ये सारे चीट कोड कैसे लगे हैं। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी चीट कोड अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे याद से कमेंट के अंदर बता देना। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो। एंड आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर टीवी ऑन का अपडेट कैसे ले सकते हो। एंड आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर बॉट का अपडेट कैसे ले सकते हो। एंड अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर कार के अंदर फ्यूल को डलवाना चाहते हो वो आप लोग कैसे कर सकते हो। एंड आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर जिम भी कैसे कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर ये सारी अपडेट लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना होगा। इस वीडियो के नीचे आपको सिंपली कमेंट कर देने होगी एंड जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसके अंदर आपको ये सारी अपडेट देखने को मिलेगी। बाकी तो गाइस हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग गेम के अंदर बस यही सारे चीट कोड अवेलेबल थे जो कि मैंने आपको सारे चीट कोड बता दिए हैं। एंड गाइस लिटरली आज की जो वीडियो थी उसे बनाने में मुझे काफी ज्यादा
ग्यारह मेहनत लगी है। तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तो मैं मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।